झुंझुनू में एक व्यक्ति ने एएओ पर हमला कर दिया। हमले से पहले आरोपी ने कार्यालय में तोड़फोड़ भी की, दो फाइल फोड़ दी, एक एलसीडी तोड़ दी, उसके बाद कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। घटना झुंझुनू तहसील कार्यालय की है। इस संबंध में झुंझुनू तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी ने कोतवाली थाना में शिकायत दी है, जिसमें बताया गया कि उनके कार्यालय में तैनात अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ ऑफिस में बैठा हुआ था। इस दौरान बनवारी लाल ढेवा नाम का एक व्यक्ति कार्यालय में आया, आते ही गाली गलौज करने लगा। कार्यालय में रखी फाइल में कंप्यूटर तोड़ दिया। जब रोकने का प्रयास किया तो कर्मचारी राजेश कुमार बजाड़ पर हमला कर दिया। वहीं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ ने बताया कि वह सुबह कार्यालय में बैठे हुए थे। इस दौरान बनवारी लाल ढेवा आया, गाली गलौज करते तहसीलदार को पूछने लगा। जब गाली के लिए रोका तो फाइलें फाड़ दी, टेबल पर रखा कंप्यूटर नीचे पटक दिया। ऑफिस बाहर जाने को कहा तो मेरे साथ मारपीट कर दी। उसके बाद बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल से कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया, हमले की कोशिश की, लेकिन अन्य कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मैं सुबह 10:15 बजे के लगभग मेरे ऑफिस में काम कर रहा था। मेरा जो साथी या सहायक प्रशासन आयुब जी वो या इस सीट में बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। अचानक बनवारी लाल ढेवा यहाँ ऑफिस में आया, आके बाहर से ही वो गाली गलौज करके आया। मेरे को नहीं पता किस मैटर में वो गाली गलौज कर रहा था। तो इधर यहाँ आके वो तहसीलदार जी को भयंकर रूप से गाली गलौज कर रहा था और कह रहा था, मतलब अनावश्यक अपशब्द बोल रहा था। तो मैंने उसको ये कहा कि ऑफिस में असभ्य भाषा का, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेगा। तो बैठे बैठे उसने मेरे थप्पड़ लगाई, थप्पड़ लगा के फिर अचानक उन्होंने, उसने यहाँ से आयुब जी के सामने कागजात पड़े थे उनको फाड़े उन्होंने, और आके फिर मेरा जो कंप्यूटर पड़ा था उसको खींच मेरे थप्पड़ लगा के उस कंप्यूटर को दे के नीचे मारा। फालतू के अपशब्द जो नहीं मेरे को बोलने से असभ्य भाषा का उपयोग किया। फिर वो यहाँ से दौड़ के गया बाहर, बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस मोटरसाइकिल के से ये ऐसा ये हथियार नुमा जो ये है वो लेके आया। तब तक मैंने उसको ये पकड़ के मैंने उससे छीन के और मैंने साइड में रख लिया। तब तक हमारा पूरा स्टाफ आ गया था और स्टाफ ने आके मेरे बीच बचाव किया, अन्यथा निश्चित तौर पे आज वो आदमी मेरे को जान से मार देता। उसका मेरे सेक्शन से रिलेटेड कोई मामला उसका पेंडिंग मेरे पास में नहीं है। मैं जाके थाने में जाके आया हूँ, तहसीलदार साहब से लेटर फॉरवर्ड करवा के एप्लीकेशन दे के आया हूँ और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मैं उनके कोतवाली में जाके आया हूँ। लेकिन कोतवाली साहब अभी क्राइम मीटिंग में, इसलिए अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। नहीं, मेरे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। वो तहसीलदार जी से मिलना चाह रहा था। तहसीलदार जी उस समय शायद SR ऑफिस की तरफ थे, तो वो उधर से गालियां निकालते हुए इधर आया। मुझे अभी तक भी ये नहीं मालूम है कि उसका मामला क्या है, लेकिन मेरे साथ भी उसने अचानक इस हिसाब से बर्ताव किया।